सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमारा लेसन 5 कंप्लीट हो गया था। ओके, अभी हमारा एक ही लेसन बाकी है, पैटर्न, जिसमें खास कुछ है नहीं, अकॉर्डिंग टू फिगर ये सब आंसर्स दे रहे हैं। तो हम फिर से रिवीजन हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक बार तो हम ये सब रिवीजन कर चुके हैं, ये सेकंड टाइम रिवीजन हो रहा है, और आप लोग वर्कशीट में भी आंसर बहुत अच्छे से फिलअप करते हो, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपका अभी ये जो बेस एकदम अच्छे से पक्का हो गया है। तो भी अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम रिवीजन लेकर अगर किसको थोड़ी सी भी किसी में मिस्टेक होती है तो वो भी मिस्टेक उसकी इम्प्रूव हो जाए। तो पहले हमें प्लेस वैल्यू देखते हैं, कोई भी नंबर दिया हुआ हो। वैसे नंबर तो आप केजी से पढ़ते आ रहे हो, 1, 2, 3 ऐसे, फिर जब आप फर्स्ट में आए तो आपने 100 तक के नंबर नेम सीखे, फिर 1000 तक के, जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता गया आपके नंबर नेम भी बढ़ते गए, और फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप 10 लाख तक के नंबर नेम स्टडी करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 45,67,384, सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर जो 4 है वो वंस की प्लेस पर है, या उसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस या वंस बोथ आर सेम। फिर 8 है वो टेंस की प्लेस पर, 3 है वो 100 की प्लेस पर है, 7,000 की प्लेस पर, 6, 10,000 की प्लेस पर, 5 लाख की प्लेस पर, और 4 है वो 10 लाख की प्लेस पर है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर दिया है तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है। इसी नंबर को, चलो इतना नंबर है तो क्या पढ़ेंगे, 4। अब 84, अब 384, 7,384, 67,384, 5,67,384, और पूरा कैसे पढ़ेंगे, 45,67,384। ओके, तो ये आपको पहले एकदम प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट का नंबर है तो वो 10 लाख से हम उसको स्टार्ट करेंगे, 6 डिजिट का नंबर है तो लाख से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी हमारा फर्स्ट रिवीजन का फर्स्ट टॉपिक है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, सॉरी, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स करते हैं, 40 का स्पेलिंग करते हैं ना, तो एफ
को यू आर टी वाई करते ये रॉन्ग है। ओटी का स्पेलिंग होता है एफ ओ आर टी वाई। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में ओटी का स्टूडेंट गलत होता है, तो ये गलती इम्प्रूव कर लो कि स्पेलिंग याद रख लो, यू नहीं आता है। 14 लिखते हैं 14, उसमें एफ ओ यू आर टी डबल ई एन आता है, बट जब हम 40 का स्पेलिंग लिखते हैं तब उसमें एफ ओ आर टी वाई आता है। नाउ सी नंबर 2, 9,27,000 ठीक क्या हुआ इसका नंबर ने 9,27,008। इधर कौन सी दो प्लेस मिसिंग है, 100 और 10, तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। जहाँ पर जीरो है मतलब आप प्लेस वैल्यूज की जीरो हो गए, टेंस की प्लेस पर कुछ भी नहीं है, 100 की प्लेस पर कुछ भी नहीं है। ओके नाउ नंबर 3, 4,21,000 ओके। यहाँ पर 100, 10, 1 तीनों तीन मिसिंग प्लेसेस जीरो है मतलब, तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। तो चलो फिर से सारे नंबर एक पढ़ लेते हैं। 4,57,326 सेकंड नंबर 9,27,008 डायरेक्ट 8 पर पहुंच जाएंगे, 100 और 10 की प्लेस मिसिंग है। नंबर 3, 4,21,000 बस आगे कुछ नहीं है, जीरो है, तो उसको हम कुछ नहीं उसके लिए लिख सकते हैं। फिर नाउ नंबर 4, 40 का स्पेलिंग आया, याद रखना 40 के स्पेलिंग का किसी की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 5,42,369 नाउ नंबर 5, 8,24,527 चलो फिर से दोनों का रिवाइज कर लें। नंबर 4, 5,40,000
32,369. नंबर 5, 8,24,527. Now number 6. 40,000 पीछे ये सारे प्लेस मिसिंग है, 100 टेन वन एंड 10,000 की. ओके फिर से चलो सबके एक बार हम कर ले. नंबर 6, 5,12,407. नंबर 7, 9,21,410. 8 नंबर 5,40,000. ओके नाउ नंबर 9 एंड 10. Thank you.
आंसर 999। चलो फिर से दोनों टेंथ तक हम सबसे नंबर 9 5,55,444। 10 नंबर 6,77,999। अभी हमने लेफ्ट तक के नंबर नेम किए, अब हम 11 नंबर से नहीं, हम फिर से 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम 10 लेख तक के नंबर नेम करेंगे।
थ्री एंड फोर आंसर लिख दिया, फिर से पढ़ ले हम। 91,12,421, फिर फोर नंबर 54,32,810। ओके नाउ नंबर फाइव, नंबर फाइव एंड सिक्स दोनों आपको दिख रहे हैं, कितने डिजिट के हैं? सेवन डिजिट के हैं, तो ये 10 लाख के नंबर्स नहीं हुए। अब हम इसके आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे के टॉपिक का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।